बारिश के टाइम पे कबूतर के पॉटी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है गाइस, ठीक है, तो वो ग्रिड से मेंटेन कर देगा। तो ये देखो गाइस, इस तरह से ग्रिड को मैं ईंटे को तोड़ के दूंगा और कबूतर किस तरह से खा रहा है आप लोग एक बार देखो। उड़ के बैठने का इंतजार था गाइस, देखो ये कबूतर वो अभी तक उड़ रहे हैं और धीरे धीरे शाम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका इंतजार खत्म हो गया। तो अभी गाइस छत पे बारिश हो रहा है, ठीक है, और बारिश के टाइम पे मैं कबूतर को छत पे छोड़ूंगा और बारिश के टाइम पे किस तरह से कबूतर को छत पे छोड़ते हैं और उसको मेंटेन कैसे करते हैं कबूतर को, मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले देखो, सारे कबूतर लॉफ्ट के अंदर बंद है, मैं आ गया लॉफ्ट के अंदर। तो चलो पहले सारे कबूतर को छत पे रिलीज कर देते हैं, जितने भी कबूतर लॉफ्ट के अंदर बंद है, ठीक है। चलो मैं कबूतर को छोड़ूंगा। तो अभी देखो गाइस, मैं सारे कबूतर को छत पे रिलीज़ कर दिया, ठीक है, और देखो यहाँ पर कितना ज़ोर बारिश होने लग गया है, जैसे ही कबूतर को छत पे छोड़ दिया और हवा भी चल रहा है गाइस, ठीक है। तो अब देखो मेरा दो कबूतर भी उड़ गया, ये देखो गाइस बारिश के टाइम पे ही दो कबूतर उड़ गया और एक कबूतर को छोड़ते देखो यहाँ पर आके ग्रिड खड़े और ये देखो गाइस कबूतर यहाँ पर ऊपर जाके बैठा है, ठीक है। तो ये देखो गाइस अभी कितना ज़ोर बारिश हो रहा है आप लोगों को देख के पता चल गया, ठीक है, ये देखो। और कबूतर सारे कबूतर भीग रहे हैं क्योंकि जो दो दिन तीन दिन पहले मैं कबूतर को नहाने के लिए पानी दिया था, तो अभी इस टाइम पे कबूतर मेरा भीगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका भीगने में अच्छा भी लगेगा कबूतर को। देखो गाइस यहाँ पर कबूतर भीग रहे हैं, देखो गाइस ये देखो नहाने के जैसा हरकतें कर रहे हैं कबूतर, ठीक है। तो इससे कबूतर को बेनिफिट भी मिलेगा गाइस, क्योंकि कबूतर को मैं नहाने के लिए पानी नहीं दिया था तो जितना गर्मी था कबूतर के अंदर वो चला जाएगा। और इधर देखो कबूतर ठीक ठाक ग्रीड भी खा रहे हैं, तो बारिश भी हो रहा है गाइस जोर थोड़ा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मेरा कबूतर को। यहाँ पर देखो जो कबूतर उड़ रहे थे दो कबूतर, बारिश में ही कबूतर उड़ रहे हैं, देखो ये अभी भी ये देखो। और पूरा आसमान देखो गाइस, पूरा साइड जितना दूर दूर देखो गाइस पूरा काली है, बादल है ऊपर, ये देखो कबूतर भी उड़ रहे हैं ये देखो। और बारिश भी तेज़ हो रहा है धीरे धीरे, आप लोगों को यहाँ पर जाके दिखाता हूँ गाइस, देखो गाइस। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, ठीक है, आप लोग कबूतर भी ठीक ही हो गए, पेट्स वगैरह सारे ठीक है। तो गाइस आज देखो बारिश का टाइम पे कबूतर को मैं छोड़ा और बारिश के टाइम पे कबूतर को कैसे मेंटेन करते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और जो गाइस आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूँ, पिछले तीन चार दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही खराब थे गाइस, और इसलिए वीडियो नहीं आया। तो गाइस मेरे एक कबूतर का अंडा देने के बाद उसका हालत आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, देखो ये कबूतर है, ठीक है, इसका हालत कितना खराब है आप लोग देखो, ये थोड़ा सा भी उड़ नहीं पा रहे, ये देखो गाइस ये इतना ही सा उड़ रहा है, ये देखो इससे ज़्यादा ये नहीं उड़ पा रहे। इसका अंडा देने के बाद इसका कैल्शियम खत्म हो गया गाइस, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे भाइयों का कबूतर के साथ प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बताना किसी के भाई के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या अभी हो रहा है, ठीक है गाइस। तो मैं इसका एक मेडिसिन मेरा चालू कर दिया, ठीक गाइस, तो ये ठीक रिकवर हो जाएगा, आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस। तो देखो ये थोड़ा सा भी नहीं उड़ पाएगा, ये देखो इतना ही सही उड़ेगा गाइस। चलो सबसे पहले कबूतर को थोड़ा ग्रीड तोड़ के दूंगा, ठीक है गाइस। तो ईंटे तोड़ के दे देते हैं कबूतर को, ये देखो गाइस कबूतर आने भी लग गया, जितने भी कबूतर है गाइस देखो मेरे पास आ रहे हैं, ये देखो गाइस किस तरह से पास आ गया। तो चलो कबूतर को थोड़ा ग्रीड दे देते हैं, देखो गाइस मैं इस तरह से कबूतर को ग्रीड तोड़ के दूंगा तो सारे कबूतर आके खाने भी लग गए। देखो आप लोग एक बार गौर से देखो गाइस कितने सारे कबूतर आ गया, और बारिश भी अभी तक चालू है गाइस, ठीक है, बारिश हो रहा है ऊपर से, तो कबूतर को ग्रीड देना भी ज़रूरी है। तो देखो गाइस बारिश के टाइम पे कबूतर के पॉटी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है गाइस, ठीक है, तो वो ग्रिड से मेंटेन कर देगा। तो ये देखो गाइस इस तरह से ग्रिड को मैं ईंटे को तोड़ के दूंगा और कबूतर किस तरह से खा रहा है आप लोग एक बार देखो गौर करो, ठीक है। तो आप लोग भी दे सकते हो कबूतर को अपने ग्रिड, बहुत ही शानदार खाती है कबूतर, ठीक है, ये देखो गाइस। तो इसको मेंटेन करके देना पड़ता है गाइस, कितने दिन बाद बाद देना पड़ता है वो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कबूतर को वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, देखो गाइस कबूतर खा रहे हैं। तो गाइस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही कबूतर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और जो सारे भाई नए हैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा एक ही क्लिक है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, तो और एक लाइक कर देना, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। तो देखो गाइस मैं आज सबसे पहले कबूतर को दाना में दूंगा काला दाना, देखो गाइस ठीक है, क्योंकि कबूतर थोड़ा भीग गए हैं और कबूतर को थोड़ा ठंड भी लग रहा है, ठीक है, तो देखो कबूतर भीगे हुई है तो कबूतर को काला दाना जरूरी है बॉयज गाइस। चलो तो मैं आप दूंगा गाइस, इस तरह से मैं कबूतर को काला दाना दे रहा हूँ, पहले सबसे पहले दाना देने से पहले जिस टाइम पे कबूतर को गर्मी चाहिए, ठीक है, इसी टाइम पे काला दाना यूज़ कर देना, वो बहुत ही हेल्प होती है कबूतर को दाना में, ठीक है गाइस। और गाइस जो दो कबूतर उड़ रहे हैं वो अभी तक उड़ रहे हैं, उसका बैठने का इंतजार है गाइस, वो बारिश में अभी तक उड़ी जा रहे हैं, वो अगर बैठ जाएगा तो आप लोगों को दाने में मैं क्या क्या देता हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है गाइस, तो दिखाता हूं आप लोगों को कबूतर अभी तक उड़ रहे हैं। तो उसके बाद देखो गाइस मैं दाना को रेडी करके लेके आया पूरा क्लीन करके, और कबूतर देखो कितना भूखा भी है, तो चलो आप कबूतर को दे देते हैं, देखो गाइस मैं कबूतर को दे रहा हूँ, ये देखो, और उसके साथ साथ देखो गाइस एक जंगली कबूतर भी आ गया, ये देखो गाइस साइड पे खा रहे जंगली कबूतर, और उसके साथ साथ एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस, देखो ठीक है, जो कबूतर का उड़ के बैठने का इंतजार था गाइस, देखो ये कबूतर वो अभी तक उड़ रहे हैं और धीरे धीरे शाम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका इंतज़ार खत्म हो गया, इसको अगर
बैठ जाएगा शाम के पहले, तो इसको फिर से दाना दूंगा लॉफ्ट के अंदर। ठीक है गाइस, ये देखो दोनों कबूतर ही उड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये कबूतर भी उसके चक्कर में दाना ठीक से नहीं खा पाएगा, तो उसको अलग से दाना दे दूंगा लॉफ्ट के अंदर। ठीक है गाइस, तो देखो मैं अभी ये कबूतर को दाना खिला रहा हूँ। तो इधर देखो गाइस, थोड़ी दाना ख़त्म करने के बाद कुछ दाना कबूतर के लिए रखा हूँ मैं, और देखते देखते देखो गाइस ये दो कबूतर नीचे आ गया। ठीक है, ये देखो, तो ये दो कबूतर का इंतज़ार है। देखो कितना शाम भी हो गया गाइस। ठीक है, एक मद्रासी कबूतर है, गिरिबाज है। ठीक है, ये सामने वाला मद्रासी है, और पीछे देखो ये गिरिबाज है। ये गिरिबाज का लैंडिंग है, आप लोग एक बार देख लो। ठीक है, कितना शानदार है, और ये मद्रासी भी बैठ रहे ठीक ठाक ही। देखो गाइस ये दो कबूतर, तो ये दोनों बैठ जाएगा, तो सारे कबूतर को लॉफ्ट के अंदर कर लेगा। कितना अंदर आ गया है देखो गाइस, ये देखो गाइस मद्रासी बैठ गया ऊपर। ठीक है, ये देखो गाइस मद्रासी कबूतर बैठ गया, और गिरिबाज देखो ये नीचे बैठेगा गाइस। ये देखो ये भी आ रहे दोनों एक साथ ही, ये देखो बैठ गया गाइस। तो दोनों कबूतर ठीक ठाक उठ के बैठ गया। तो चलो ये जितना कबूतर का दाना बाकी है गाइस, ये कबूतर को दे देते हैं। देखो गाइस बहुत ही शानदार उड़ के आया, और दाना उड़ के आने के बाद ही दाना देना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि अंधेरा छा जाएगा तो दाना ठीक से देख नहीं पाएगा कबूतर ने।